privatization is taking over. Poor staying poor and rich becoming richer. Being against this, we have raised our voice to protest, but our protest remained unheard. We have marched in procession, and our procession has been broken up by police. Today, what we left with us is organizing ourselves and meet violence with violence. हाँ, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? सच कहूँ तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और ये भगत सिंह से भी काफी मिलता जुलता है. या kind of. देखो ये तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्ट है इसलिए थोड़ा संभल कर. और तुमने जॉर्ज को ही क्यों चुना? जॉर्ज इसलिए क्योंकि मैं हमेशा इस पर रिसर्च करना चाहती थी और साथ ही मेरी दादी भी जॉर्ज के काफी करीब थी. जरा इसे देखिए. इस आर्टिकल को इंटरनेट से हटा दिया गया था लेकिन जिसने इसे लिखा था उसे जानती हूँ, वो जरूर मदद करेगा. मुस्कान, फाइनल प्रोजेक्ट के लिए ये टॉपिक बहुत रिस्की है. तो आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर उसके आर्टिकल को इंटरनेट से हटा दिया गया है तो वो इंसान तुम्हारी मदद आखिर क्यों करेगा? सर, मैं सब संभाल लूंगी. पर तुम अपने आखिरी प्रोजेक्ट में ऐसा रिस्क क्यों लेना चाहती हो? एक बार फिर से सोच लो, शायद तुम्हें कुछ नया मिल जाए. तुम गड़े मुर्दे क्यों खा रही हो? इस वक्त मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए. इस पर साइन करके मेरी रिसर्च को अप्रूव कीजिए. मैं कॉन्फिडेंट हूँ कर लूंगी. या क्या तुम श्योर हो? थैंक यू, आई विल सी यू गाइस. मिलिए मुस्कान से. जॉर्ज रेड्डी और इसकी दादी क्लासमेट्स थे और अब अपने कॉलेज के आखिरी प्रोजेक्ट के लिए ये जॉर्ज पर रिसर्च करने हैदराबाद जा रही है. क्या हुआ अंदर? बैग्स पैक करो, हम इंडिया जा रहे हैं. क्या तुम सीरियस हो? हाँ, इसी वक्त. ठीक है, मैं जल्दी से जाकर आता हूँ. क्या कहते हो, कॉफी पीने चलें? श्योर. सुनो मुस्कान, बाकी प्रोफेसर्स के मना करने के बावजूद भी मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे रही हूँ. थैंक यू मैम. How much time will it take? 2 hours, ma'am. George, रुको बेटा. रुको, रुक जाओ. अपने बैग भूल गए जॉर्ज. ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? टीचर. इतना लेट कैसे हुआ जॉर्ज? वो बोट लेट आई. बोट लेट आई? चलो जाओ, जाकर खड़े हो जाओ बाहर, जाओ. तुम में से किसे आता है इसका जवाब? चलो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो. 9 + 2 = कितना? बोलो, जवाब दो. किसको आता है? किसी को नहीं आता. हाँ बोलो. तुम में से किसी को भी नहीं आता इसका जवाब? क्या मतलब है इसका? देखो तो, ये भटूरी शर्ट पहनकर स्कूल में आया है. ये सब क्या है रे? क्या? तू कौन होता है इसको शर्ट देने वाला? जॉर्ज, शांति से बैठो इधर. आराम से बैठो, मैं तुम्हारे बाल काटता हूँ. मेरा अच्छा बच्चा. ये जॉर्ज. हिलो मत बेटा, हिलो मत. शांति से बैठो, नहीं तो शेप बिगड़ जाएगा. जॉर्ज, तुम ऐसे बीच में नहीं भाग सकते. अब रुकिए एक मिनट. जॉर्ज सुनो. बाय अम्मा. जॉर्ज, मैं कहती हूँ रुक जाओ. इधर देखो, आ रहा है. भैया भैया, ये वही है जिसने मुझे कल मारा था, देखो ना. ए रुपे, क्या रे, कल मेरे भाई को क्यों मारा तूने? भागता कहाँ है? शान पट्टी ज्यादा है तेरे में. रुक बे, आंखें क्या दिखाता है रे? चल भाग यहाँ से.
I will be there in 5 minutes. No, don't touch. Oh, sorry. हाँ मैडम, साइड इधर आके लेफ्ट लीजिए. भीम नायक, तुम्हारा आर्टिकल बहुत अच्छा था. थैंक यू मैडम. ये है मेरा ड्राइवर एंड दैट इज पीटर. हेलो. हाँ हाँ, आप हिंदी अच्छी बोलती हैं मैडम. जस्ट अ लिटिल बिट, आई कैन अंडरस्टैंड वेल. मैडम, टी या कॉफी? या चाय सही रहेगी. ओके मैडम. ए हीरो, दिमाग में स्क्रू नहीं है क्या? ओ, क्या फोटो खींच रहे हो? सॉरी. जाओ चुपचाप साइड में बैठ जाओ. साला बाथरूम में भी कैमरा लेके जाता होगा. ये नायक था, जॉर्ज रेड्डी का जिगरी दोस्त और उसके गैंग का एक अहम हिस्सा. मुस्कान नायक के ही बेटे से मिलने यहाँ आई है. मैडम, आपकी टी. I'm sorry. क्या मैं? Yeah, please go ahead. It's okay. ये लीजिए. Thank you. जॉर्ज का आर्टिकल इंटरनेट से क्यों डिलीट किया था तुमने? बायां पैर पीछे और दायां पैर आगे बढ़ाओ. बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो तुम वहां. ठीक से करो, ठीक से. एक मिनट, एकदम सीधे खड़े रहो. शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया. तुम क्या कर रहे हो? शाबाश, एक पैर पे संतुलन बनाए रखो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी. तुम्हारा नाम क्या है? जॉर्ज रेड्डी. भगत सिंह अभी वो कहाँ है? इन्हें मार दिया गया. क्या वो जिंदा हो सकते हैं? मौत सिर्फ एक बार आती है बेटा. हाँ, अरे ऐसा तिरछा फेंकने का बंटा है. ये देख मैं कैसे फेंक रहा है. सॉलिड एकदम. इधर आओ. क्या रे? छोड़ूंगा नहीं. जॉर्ज. माँ. हाँ जॉर्ज. ये पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है जबकि इस बोट को कुछ भी नहीं होता? सूरज रात में कहाँ चला जाता है? चांद, तारे ऐसे क्यों घूमते हैं माँ? हमारी ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है बेटा. तब तो फिर हमें भी घूमना चाहिए ना? माँ, जब आपको अंधेरे में डर लगता है तो आप क्या करती हैं? जॉर्ज जरा इसे पकड़ो. अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमने अपने आर्टिकल को नेट से निकाल दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने नहीं निकाला, किसी ने ब्लॉक करवा दिया. किसने ब्लॉक करवा दिया? मतलब वो तुम्हारे आर्टिकल से डर गया? हाँ बिल्कुल. तुम्हें डर नहीं लगता? जरा भी नहीं. क्या तुम्हें उन लोगों से डर नहीं लगता? मैं उन लोगों से क्यों डरूंगा मैडम, डरना तो उन्हें चाहिए. चलो छोड़ो, और जॉर्ज का क्या सामान है तुम्हारे पास? ये जॉर्ज की शर्ट है. मेरे पिताजी को जॉर्ज ने ये शर्ट कॉलेज में पहनने को दी थी क्योंकि उनकी शर्ट फट गई थी. ये जॉर्ज रेड्डी का चश्मा है. एक बात बताओ मैडम, जॉर्ज रेड्डी ने लाइब्रेरी में बैठकर इसी चश्मे से हजारों किताबें पढ़ी थी और उन्होंने नॉलेज गेन किया था. इस घड़ी को देखिए मैडम, इसे वो पहना करते थे. और हाँ, तुम्हारे पिता जॉर्ज से कैसे मिले? हाँ वही बता रहा हूं. ये देखिए इधर FIR. अक्सर अच्छे फ्रेंड्स कॉलेज में ही बनते हैं, पर मेरे फादर और जॉर्ज अच्छे फ्रेंड इस FIR की वजह से बने. मैं इन लोगों से कैसे मिल पाऊंगी? I'll take you to them.
यार इन पोटियों को तो देख क्या लग रही है मियां। चलो चल उठ रहे उठ रहे हैं। यार कान में रूई के बैठी लगता। क्या बोलती, नाम क्या रे तेरा? ए फटाका लग रही है तू, कॉलेज चलती क्या साथ में? मस्त टाइम पास करेंगे, क्या बोलती? क्या हुआ, जवाब नहीं दे रही? बोला खामोशी को हाँ समझू क्या? शाम में पिक्चर को चलते कॉर्नर की दो सिकट लेता हूँ, दोनों चिपक के बैठेंगे। क्या कर रहा है बे? क्या हुआ बे औले? अरे मार रहा मेरे को, बचाओ। सिरिल सुन, दस्तागिरी देखना कोई आया है। सिरिल हाय, सॉरी परेशान तूने किया। कैंपस का मतलब बोले तो जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, बिंदास मौज मनाओ। सुन सिरिल। हाँ अरे भाई तुम आ गए। क्या रे सिरिल, कैसा है? I'm fine। बैठो भाई। यही कमरा है क्या? हाँ यही है। ए दस्तागिरी, he is my brother। अरे बाबा पता है, लास्ट टाइम मैंने इसको कैंपस में देखा था। वैसे कुछ खाने पीने के लिए लाया कि नहीं? हाँ एक मिनट। अरे अल्लाह मैं देख लूंगा। अरे रघु भाई। हाँ माय ब्रदर रघु, डबल PhD। क्या पढ़ रहा रे? कल एग्जाम है भाई, इसीलिए पढ़ रहा था। माँ ने बनाया क्या? मस्त है यार। सो हाउ इज मदर? अच्छी है यार, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे। अबे मैं भी तो तेरे भाई जैसा ही हूँ ना। लड्डू के लिए रिश्ते बदल जाते हैं यार। अच्छे दोस्त आए रहे तेरे। चलो भाई आप आराम करो, मैं राज अन्ना के कमरे में जा रहा हूँ। ये आधा टाइम राज अन्ना के कमरे में ही पड़ा रहता है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है, एकदम मस्त चुग रहा है। मैं भी जब नया नया आया था ना, तो वहां खड़े होकर सोचता था कि पूरी दुनिया जीत लूंगा, लेकिन वक्त ने सिखा दिया कि दुनिया बदलना हम जैसों के बस की बात नहीं है। चला जा रे। ये स्टूडेंट्स लीडर सत्या है, जो ABC पार्टी का प्रेसिडेंट है। हाल ही में हुए स्टूडेंट्स इलेक्शन में भारी बहुमत पाकर इसने कौशिक की ISU पार्टी के खिलाफ इलेक्शन जीता है। देश के प्रति प्रेम और एक राष्ट्रवादी सोच सत्या की विचारधारा है। मेरे दोस्तों और विद्यार्थियों, तीसरी बार हमें चुनाव जितवाने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि मेरा देश भारत है। कुछ लोग हमारे देश में आए, उनका हमने प्रेम से स्वागत किया, उनके साथ भोजन किया, उन्हें बराबर का अधिकार भी दिया, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि हम उनसे अलग हैं।
उन्होंने हमारे देश की परंपरा और संस्कृति को धूल में मिला दिया। सदियों से चली आ रही इन गुलामी की जंजीरों से आजादी पाने के बाद भी ये पड़ोसी देश के दोगले लोग हमारी मातृभूमि पर नजर डाल रहे हैं। ये लोग हमारे देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खबरदार! वो सभी नेता जो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनका वक्त अब खत्म हो रहा है। हमारे वाली पीढ़ी के काबिल शासक हैं, उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। इस देश में जन्म लिया, इसी देश में सांस लेते हैं, अब इसी देश के लिए लड़ने का वक्त आ गया है। सभी लोग तैयार हो जाइए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सिट डाउन। डियर स्टूडेंट्स, देखा गया है कि एक लॉयर, एक साइंटिस्ट, एक पुलिस ऑफिसर और एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर देश को आगे ले जाने का ख्याल यूनिवर्सिटी से ही आता है। जो होता है यहीं से शुरू होता है। आज हम इन इंसानों के बारे में और जानेंगे। क्या रे नाइक, कुछ समझा क्या तुझे? ये देखिए किसकी तस्वीर है। ये हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। तू आइंस्टाइन को जानता है क्या? मुझे क्या पता कौन है भाई, कुछ भी पूरा। दस्तगिरी, स्टैंड अप। कैन यू सॉल्व दिस? एनीबॉडी एल्स? कम। से पूरा करता हूं सर। ओके, शुक्रिया। प्लीज बैठ जाओ। व्हाट इज योर नेम? जॉर्ज रेड्डी। गुड लक। थैंक यू सर। जॉर्ज, सच सच बता, तू दूसरी बार एमएससी पढ़ रहा है ना? कुछ भी, मैंने भी 7th क्लास 3 बार पढ़ी थी, सारे आंसर दे देता था, सब लोग मुझे जीनियस कहते थे, पता है? अबे ढक्कन मुंह बंद। अबे तेरी हड्डी तोड़ के अलग कर दूंगा, सीनियर हूँ मैं तेरा। कौन? अबे तू सीनियर है? साले हम दोनों एक साथ बैठते हैं, मूंछ गाड़ी होने से कोई सीनियर नहीं हो जाता, किसी को बोल भी मत देना। पिछले साल के 4 सवाल पूछोगे ना तो 3 सवाल में हवा निकल जाएगी तेरी। और हमारे जॉर्ज भाई को देख, क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे देते हैं। हाँ भाई, मानना पड़ेगा। क्या यार, सुबह से 10 चक्कर लगा चुकी है तू कैंपस के, आखिर तू ढूंढ क्या रही है यहाँ पर? आज क्या खाया था तूने? मुंह पे चलने का नाम ही नहीं ले रही। चल बता, बार बार यहाँ के चक्कर क्यों काट रही है? सुन, वो बस वाला लड़का याद है? कहीं देखा उसे तूने? तो पहले पूछती ना, चलो उस टपरी पर। लेकिन तू उसे क्यों ढूंढ रही है? पसंद आ गया है तुझे? क्या स्टाइल से अपनी बुलेट चलाता है। सबको आज ही ढोक डालेगा ये। चुप ना, सुन लेगा। वो देख माँ, वहाँ कैंपस की एंट्री है। अभी स्टूडेंट इलेक्शन भी होने वाला है ना? हाँ माँ। एक दिन देखना जॉर्ज यूं अपनी बाइक चलाकर आएगा, अचानक से ब्रेक मारी, फिर ऐसे टर्न मारकर बाइक रोकेगा और यूं बाहर फैलाकर मुझे अपने पास बुला लेगा। सही क्या, बिल्कुल सही क्या तुमने। इतने सालों बाद हॉस्टल में पहली बार कोई तुम जैसा आया है जिसमें हिम्मत है। एक दिन मेरे खाने में कॉकरोच मिला था, कैंटीन चलाने वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही किया तुमने माया, बस बहुत हुआ। माया, तूने प्लेट क्यों फेंकी? हाँ, मस्त मजा आ गया यार। अबे बेसुरे, कोई अच्छा गाना बजाना यार। इसमें गाने नहीं बदलते, जो चलता है वही सुनना पड़ता है। समझ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? गर्ल्स हॉस्टल से ब्रेकिंग न्यूज आई है। अरे सब काम छोड़ो, मेरी बात सुनो, गाकर सुनाता हूँ। एक लड़की ने तौशिक
की कैंटीन में प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। अरे उस लड़की में क्या हिम्मत है यार, इस कौशिक गैंग की तो वाट लगा डाली। देखो नामर्दों की टोली जा रही है, कहाँ है तुम्हारा गैंग लीडर कौशिक? हे ऐसी लड़कियां अगर प्लेट्स फेंकने लगी तो तुम्हारी मर्दांगी पर सवाल उठेंगे। तू लानत है। लानत है, लानत है भाई, लानत है। अरे रुक रुक, ए रुक, इन लोगों से कैंटीन तो चलती नहीं है, और सत्या भाई को इलेक्शन में हराएंगे। देखो कैसे हमारा मजाक बना रहे हैं। खास कर ये छोटा वाला तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। चल निकलते हैं। एक तो खाना गंदा बनाते हैं, किसने बोला तो मारते हैं उसे। जॉर्ज भाई। हाँ बोल। कैंटीन तो सबके लिए एक होनी चाहिए, लेकिन अमीर स्टूडेंट्स को स्पेशल खाना मिलता है। यही है हॉस्टल की कैंटीन भाई। वी हैव आवर फूड एवरी डे हियर। चल खाते हैं। या गिव। राजा भैया भी यही है, चलो मिलवाता हूँ। ए छोटे नमक लेके आ। लाया भाई। भैया आप कब आए? क्या वो कुछ बोल नहीं रहे हो? ये साले भी इसी प्लेट में खाते हैं, ठीक से साफ करो। राजा भैया ये मेरा भाई है। सड़क पर भीख मांगने वाले अब हमारे साथ खाना खाएंगे। घर पे खाने को दाना नहीं है और यहाँ चोच मार रहे हैं। अरे डस्टबिन में गिरा खाना लाकर इसके मुंह पे मार दे। अरे क्या हुआ राजा भैया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? ये कोई खाना है? उनको अलग परोसा है, हमें अलग परोसा है। अरे हम गरीब है इसलिए? अरे हमें और उनमें फर्क क्यों किया जाता है? सबको एक जैसा परोसा ना, ये भेदभाव क्यों है? और ये ना इंसाफी हम बर्दाश्त क्यों करें? क्यों इनकी गुलामी करते रहे? अरे कोई सवाल उठाता है इनसे तो ये हालत कर देते हैं। और हम जिन प्लेटों में खाते हैं उसे नमक से साफ करते हैं। इन कमबख्तों की प्लेटों को आज मैं अपनी पेशाब से साफ करूंगा। क्या बोला? अरे पेशाब से साफ करेगा? अबे गेंडे, अगली बार तूने मेरे पापड़ तोड़े ना तो देख लेना।
यार सबको धो डाला तूने तो। मणिपाल रेड्डी, जॉर्ज रेड्डी। भाई ठंडा ठंडा पानी पियो। ला मेरे को दे। इतने सालों से मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे सबक सीख लिए लेकिन कभी किसी को सबक सिखाने का मौका नहीं मिला। आज मिल गया। अरे भैया वो दीवार के पीछे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हैं। उधर कौन है बे? मजाक कर रहा है? अरे मजाक कर रहा है यार, डरो मत। अरे क्या पागल है क्या तू? झगड़े के बाद कौशिक का गैंग उसके साथ पुलिस स्टेशन जॉर्ज के खिलाफ कंप्लेंट करने चला जाता है और ये है ऑपोजिशन पार्टी का प्रेसिडेंट कौशिक, जो इस बार सत्या के खिलाफ इलेक्शंस में खड़ा होगा। क्या कौशिक, कैसा है? अब क्या बखेड़ा किया? कैंपस में एक प्रॉब्लम है सर। इसमें नया क्या है? फिर सत्या के आदमी से लड़े होंगे। मूर्ति सर, एक चाय बोलो। 8202। हाँ सर। सर के लिए चाय लेकर आ। क्या बात है सर? एक लड़के ने मेरे आदमियों को मारा। फिर से लफड़ा किया? किसने मारा? कोई नया लड़का है, वो क्या नाम? जॉर्ज रेड्डी। जॉर्ज रेड्डी? हाँ सर, कैंटीन में सत्या के आदमियों ने हमारी बेइज्जती की, इसलिए हमने उसको मारा। वो आके हाथ उठाया। घुमा फिरा के क्या बोल रहा है? हाँ साफ साफ बता। इसके धमकाने पर उसने मारा, आपको कुछ लीगल एक्शन लेना होगा। वो धमकी देगा तुम मारोगे, तुम धमकी दोगे वो मारेगा। वैसे तुम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। पिछले हफ्ते ही कुछ स्टूडेंट सत्या के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आए थे, कुछ देर बाहर बैठे फिर यहाँ से भाग गए। साला तुम स्टूडेंट्स की लड़ाई में बेवकूफ हम लोग बन जाते हैं। हम ये कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे सर। ठीक है, मैं कंप्लेन लिख लूंगा पर इंक्वायरी करने के बाद ही। ठीक है? ठीक है, चलता हूँ सर। हमारा भी ख्याल रखना। जी सर। स्टेडियम के बारे में याद दिला रहा हूँ आपको, उसके बारे में एक बार भाई सोच रहा। मैं आपसे फिर से पर्सनली बात करता हूँ। कौशिक के आदमियों ने आज कैंटीन में मारपीट की। खाना खराब है कहने पर मार रहे हैं, गलती करने के बाद भी और गलत कर रहे हैं भाई। कौन, कौशिक का गैंग? हाँ वही लोग हैं। वो लोग नहीं सुधरेंगे भाई, वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। एक दो नहीं भाई, पूरे 4 साल चले गए लेकिन आज तक वो लोग सुधरे नहीं है। अगर उनको सुधारना है ना, कुछ बड़ा करना पड़ेगा भाई, समझ लो आप। कौशिक कहाँ पे? मैं उधर से आ रहा हूँ सत्या। वो और उसके आदमी कार में बैठकर फरार हो गए। अर्जुन, पूरी यूनिवर्सिटी बंद कर दो, जरूरत पड़े तो वीसी का रूम भी बंद कर दो। चलो, चलो, चलो। तूने मारा था? मारा था सर। मूर्ति सर, इन लोगों को एक रात के लिए लॉकअप में डालो। ओके सर। जा, इन लोगों का साइन ले लेना। ठीक है सर। चलो अंदर। कोई भी क्लास का कोई भी ब्लॉक मत छोड़ना। ए, आज कॉलेज बंद है। चल, चलो कॉलेज सब घर जाओ। चलो चलो। ए, दूसरी तरफ जा। ठीक है भाई। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? अगर खाने में पत्थर मिल जाए तो कोई बात नहीं, निकाल कर खा सकते हैं, लेकिन अगर कीड़ा मिल जाए तो क्या तुम लोग खा पाओगे? बेचारी माया एक स्टूडेंट है, उस बेचारी लड़की ने तंग आकर अपनी प्लेट फेंक दी कौशिक के कैंटीन में। बिना योग्यता के कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल जाता है इन लोगों को? और इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे न जाने यहां वहां कहां बांटता होगा वो। इतना ही नहीं, ऊपर से भी सपोर्ट मिल रहा होगा इन लोगों को। आज सिर्फ आप लोगों का खाना खराब हुआ है, कल आपकी पढ़ाई भी खराब होने लगेगी। हम क्लासेस बॉयकॉट करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। समझा ना, स्टूडेंट लीडर सत्य के आदमी थे। आज तक मैं कैंपस लड़कों की शिकायत पर आता था, आज पहली बार लड़की की शिकायत पर आया हूं। ए, जरा देख तो वो अंदर कौन जा रहा है, जा तू भी साथ में। आज कॉलेज बंद है। क्या कॉलेज है? प्लेट फेंकने पर इतना बड़ा तमाशा। अगर ऐसा कुछ इलेक्शन के टाइम होता ना तो कॉलेज लड़ाई पर उतर जाता। ये लोग यहाँ पढ़ने आते हैं या फिर ये लोग दंगा करने आते हैं? ये सवाल मुझसे नहीं, डायरेक्टर जॉर्ज से जाकर पूछ। पूछूंगी तो जरूर, इसीलिए तो जा रहे हैं। क्या अकेले अकेले मजे कर रहे हो? सर आपके नाम का भी खाता खोलना है। अरे मणिपाल, बाइक में पेट्रोल भरा के लाना। दिन रात मटर गश्ती तुम करते हो और पेट्रोल मैं भरा हूं क्या? चाय देना। अपने कैंपस में बॉक्सिंग मैच होने जा रहा है, ये ले कोई हिस्सा लेना चाहेगा? क्या बोल रहा है दस्तगिरी? प्लीज मेरा नाम दे यार, मैं तो पैदा ही बॉक्सर हुआ था।
अबे तेरे जैसों को बॉक्सिंग में बनाते हैं, रिंग में जाना मत, वापस नहीं आएगा। अबे गेंडे मेरा एक सजेशन है, बॉक्सिंग खेलने की बजाय तू रोड रोलर बन जा, सड़कें सुधर जाएंगी और देश तरक्की करेगा। वो अलग, इसकी बकवास सुन के तो आदमी पागल ही हो जाए। अबे तेरा पेट है कि म्युनिसिपैलिटी का डस्टबिन देना। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थ्योरी पर मैं समझ नहीं पाया। को बोला अगर फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके सम्स को मैं हाय हाय टेल मी वो मैं वो बस क्या माया आज क्या फेंका, ये लो इस ग्लास को फेंक दो। मैं यहाँ कुछ फेंकने नहीं आई हूँ, तुम्हारी लड़ाई में मेरा नाम खराब हो रहा है। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, नाइस टू मीट यू। मैंने वो प्लेट जानबूझकर नहीं फेंकी थी, तुमने तो खामखा इतना बड़ा इशू बना दिया। तुम्हारी आंखों में हिम्मत दिखाई देती है, भगत सिंह की एक किताब देता हूँ, फ्री वक्त में पढ़ लेना। बेचारी लड़की, ये तो इतने में ही कांप उठी और तू इसे क्रांतिकारियों की किताब पढ़ने को बोल रहा है। वैसे तुम बन सकती हो क्रांतिकारी, जाओ बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ, पूछ लिया, मिल गया जवाब? कौशिक, एक छोटी सी लड़ाई के कारण सत्या के लोगों ने पूरे कॉलेज में हमारा मजाक बना डाला है। वैसे ये साला जॉर्ज है कौन? फालतू में सब उसे हीरो बना रहे हैं। युद्ध में बलवान आदमी नहीं जीतता है, जो सही वक्त पे वार करता है जीत उसकी होती है। वैसे भी अभी मामला गर्म है, कुछ दिन रुक जाओ सब उसे भूल जाएंगे। इसका नाम लल्लन है, ये लोकल लीडर किशन सिंह का छोटा भाई है और इसी कॉलेज में पढ़ता है। लल्लन से काफी स्टूडेंट्स परेशान हैं और इसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर चुके हैं। ए, रुक बे तू। ए, क्या है रे, ये लड़कियों की तरह क्या खेल रहा है बे? किशन सिंह के लोग बस्ती खाली करवा रहे हैं। भाई भाई, तू किशन सिंह के ऊपर लिखता है कार्य, चर्बी चढ़ गई है। अबे तेरी, ये सुबह सुबह तुम दोनों भाइयों को क्या जोश चढ़ा रहता है यार, अगर कहीं और लग जाता तो क्या हो जाता मेरा।
अबे चीटर खोर, मैं नहीं खेल रहा। ज्यादा बोला तो दांत तोड़ दूंगा। राजा भैया इधर आइए। मैं भी तोड़ दूंगा। आ रहा हूं। यार बलराज जल्दी से पढ़कर देना। ओए हां इधर आ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। कौन सा हॉस्टल है तुम्हारा? यही हॉस्टल है। तुम लोग सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हो? तेरा बाप क्या करता है? वो नहीं है भाई। क्या? वो बाल काटते है भाई। तो तू क्यों पढ़ रहा है? वो देख उसके बाल बहुत बढ़ गए हैं, जाके उसके बाल काट। जाना भाई जरा मेरी बुक दे दीजिए। चुप बैठ। तेरा बाप क्या करता है? जी सिटी सेंटर में उनकी शॉप है। अच्छा ये ले जा वहां जाके पढ़। शुक्रिया भाई। रुक रुक बे। हाँ भाई। इधर आ। आया पड़ा। तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? सॉरी। तेरा बाप क्या करता है? मेरे पापा मोची है। वो एक मोची है ना। तू क्या खींच के ये चप्पल सी के ला। ठीक है भाई चल जा। औकात में रहने का समझा ना। तू इधर आ। तू कौन से हॉस्टल से है? तेरा बाप क्या करता है? अबे तेरा बाप क्या करता है? अरे घूर रहा है मारी से। तू रुक बे। तू बिना बाप का है क्या? तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम लोगों को क्या लगता है कि ये कैंपस तुम्हारा है? स्टूडेंट्स हो तुम सब, यहां फील्ड में आग से फुटबॉल खेलते हो। कैंपस है ये, सर्कस नहीं। तीसरी बार तुम लोगों के खिलाफ ये कंप्लेंट आई है। बहुत मौके दिए तुम सबको लेकिन अब नहीं दे सकता। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। 3 महीने के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। प्लीज गेट आउट। अगले 3 महीने तक तुम कैंपस के अगर आसपास भी दिखे ना तो देख लेना। सर करियर खराब हो जाएगा, ये आपसे सॉरी कहने ही आया है सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। देख भाई बाकी जगहों की तरह इस कैंपस में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तू किशन का भाई है इसलिए मदद की है। आगे से कोई लफड़ा नहीं चाहिए। अगली बार मत आना मेरे पास। चल निकल। ठीक है। नमस्ते लक्ष्मण भाई। अरे नमस्ते कौशिक, यहाँ कैसे? क्या हुआ सुबह सुबह लफड़ा कर दिया? अब क्या करे, हम दोनों का काम ही यही है ना। वैसे अंदर वातावरण बहुत गर्म है, थोड़ा सा पानी डालोगे भाप निकलेगी। अरे लक्ष्मण भाई हाथ तो मिला लो। नमस्ते करने का, चलो जाओ। सीखो कुछ इनसे। नमस्ते लक्ष्मण भाई। नमस्ते लक्ष्मण भाई। नमस्ते लक्ष्मण भाई। कि कुछ तो गड़बड़ है सर। स्टूडेंट्स ग्रुप की आपस में लड़ाई बढ़ती ही जा रही है, आपको कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा सर। मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते सर। इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कोई कंप्लेंट है क्या? यस सर एक कंप्लेंट है। कैंपस का सबसे शरीफ लड़का है साई, लेकिन आज उस जॉर्ज ने सब हदें पार कर दी। उस दिन कैंटीन में फाइट और आज उसने साई के दोस्त का मुंह तोड़ दिया। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो मुझे हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। मुझे सब पता है, इस बारे में मैं कुछ करता हूँ, जाओ। श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भाई अब वो जॉर्ज का बच्चा मच्छी की तरह फंस चुका है, अब वो किसी पर हाथ नहीं डालेगा। उसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने लोगों को बोल दो अब डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भाई। देखो जॉर्ज का बंदा जा रहा है। यारे ये तो बच्चा है। मैं कुछ दूसरे ऑप्शंस देख रहा हूँ चीजों को काबू करने के लिए। हमें हर हाल में इस सबसे पुलिस को बाहर रखना चाहिए। ओके सर। क्योंकि इससे हमारे कॉलेज की। गुड मॉर्निंग सर। जॉर्ज रेडी। क्या ये सब, आखिर हो क्या रहा है? तुम दिखने में तो बहुत शरीफ लगते हो पर हरकतें गुंडों वाली करते हो। सर आपको पता है मारा, लेकिन क्यों मारा ये नहीं मालूम। तुम स्टूडेंट हो क्रिमिनल नहीं, कैंपस में हथियार लेकर आते हो, किसी का मर्डर करने का इरादा है तुम्हारा। इसको 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। ओके सर। सर सब चुप बैठे हैं। सर गलती किसी और की है और रस्टिकेट किसी और को किया जा रहा है। प्रोटेस्ट वो लोग करते हैं, क्लासेस बंक वो लोग करते हैं, रैगिंग वो लोग करते हैं और रस्टिकेट अपने जॉर्ज को की, ये कहां का इंसाफ है? मैं बात करता हूं। अब बात करके क्या फायदा सर? वो ललन आग जलाकर कैंपस में फुटबॉल खेल रहा था सर। कॉलेज में हथियार लाना गलत नहीं है क्या? माना कि जॉर्ज ने हथियार यूज किया लेकिन ललन के भी कैंपस में बहुत हथियार है सर। सर कैंपस में सिर्फ बड़े लोगों की ज्यादा चलती है। सही बोला सर। अब हम लोग भी अपनी ताकत दिखाएंगे, हम भी क्लास बंक करेंगे और वीसी के ऑफिस के सामने हम लोग भी धरना करेंगे। राजन्ना बात को इतना बड़ा मत रहे, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ पढ़ने, तुम लोग अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। चलो। सॉरी सर।
क्या हाल है लल्ला भाई? कैसे है? पहले खाना खा ले फिर पढ़ लेना। भाई कौशिक गैंग के लोग आज स्कॉलरशिप के विषय पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। यार वो बुक देना। अरे राम नाई, अरे वोट यार यहाँ पर पढ़ने आता है कि सोने आता है? वो देख रहा है कि अभी अच्छी है। हमें उन कमीनों को नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है ठीक है, एक बीड़ी और तो चाय दे। ए उठ। ए उठ ना। हम क्यों उठे यहाँ से? अबे हम लल्लन के आदमी हैं। तो क्या मैं नाचूं? ए ए तो तेरे को तो बाद में देखता हूँ। और उसकी फालतू बकवास चलती ही रहती है। भाई ये फॉर्म भर दीजिए ना। हाला ये जरा पेंदे पेंदे रे। अरे कैंटीन के बगल में वो चूड़ी की दुकान है ना, जरा पेन देना प्लीज। कहाँ गए रे वो लोग? पता नहीं भाई। चलो मुझे बस पांच बातें बताओ जिनके लिए जॉर्ज लड़ रहा था, जस्ट इन ब्रीफ, टेल मी। उसके तरीके शायद ठीक नहीं थे, हाँ, लेकिन उसने लोगों को रैगिंग से बचाया, कैंटीन में सबको अच्छा खाना दिलवाया, हर काबिल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप की मांग की, और भी चीजों के लिए जॉर्ज स्टूडेंट्स के साथ खड़ा था। अर्जुन है सत्या का आदमी, जॉर्ज इसे भी देख लेगा। और उसके बाद ए, ये इसे मार क्यों रहा? चल साले। नमस्ते मैडम। मार इसको, मार। मेरा नाम याद रख, ललन। नमस्ते कौशिक। नमस्ते। अर्जुन। थैंक यू। तो क्या पढ़ाई चल रही है? अरे जॉर्ज कैसे कैसे लोग हैं यार, देखा तूने कैसे बात कर रहे थे दोनों, अर्जुन और कौशिक, कैंपस के बाहर कुत्तों जैसे लड़ते हैं। हाँ रे यही है। अच्छा बोल राजन, बता क्या बात है? क्या बताओ रे, आज लल्लन ने एक स्टूडेंट को क्लास में घुसकर टीचर के सामने धो डाला। कौन है ये लल्लन? किशन सिंह का भाई है वो, हर दिन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में घुसकर गुंडागिरी करता है। उसके सारे दोस्त बाहर के हैं, इस कॉलेज के भी नहीं है। अब मैं ही देखता हूँ ये बाहर के लोग अंदर कैसे आते हैं। एक क्या लड़की है? कौन है तुम लोग? ए, कहाँ से आए रे? धूलपेट से। क्या कर रहे तुम लोग आ कैंपस में? लड़कियाँ छेड़ने को आए इधर? लड़कियाँ छेड़ दे, तुम्हारा बाप का कॉलेज है क्या? निकलो इधर से, देखना नहीं आइंदा इधर, समझे ना? ये देखो छोटा पैकेट अपनी गर्लफ्रेंड घुमा रहा है। फिर से बोल। रुक जा, अभी बताता हूँ। अब इन भार के लोगों की नल्ली निहारी बना के खमीरी रोटी में खा जाऊंगा। ज्योति अगर तुझे किसी ने परेशान किया ना तो मुझे बताना। तेरी इतनी हिम्मत खोल के सुन लो, कोई भी इसी तो कंप्लेन नहीं करेगा। कल से अगर किसी ने भी कंप्लेंट की तो यही गाड़ डालूंगा मैं साले को। भाई आजकल स्टूडेंट्स के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, इस कैंपस में बड़े लोग सिर्फ मस्ती करने आते हैं, और इतना ही नहीं भाई, ये लोग जूनियर हॉस्टल में जाके रैगिंग भी करते हैं। कल हॉस्टल के लड़कों की शर्ट उतार कर उन्हें मारा, आपको ही कुछ करना पड़ेगा भाई। क्या कर रहा है इधर? ज्यादा समझ मारे तुझे? बहुत रैगिंग का शौक चढ़ा तेरे को, बच्चों के कपड़े उतार रहे हो? तुम्हारा रैगिंग किया तो नंगा करके पूरा कैंपस में दौड़ाऊंगा, समझा? चलता हूँ भाई, चलता हूँ रे। हाँ ठीक है भाई।
ए छोटू, किशन सिंह का भाई है तू। अगली बार कोनो लफड़ा होगा ना तो अपने साथ बल्लू को ले लेना, ठीक है ना? चल चलता हूँ। जॉर्ज रेड्डी ने नाक में दम कर रखा है, बाहर के लोग कैंपस में कदम रखने से डर रहे हैं। इतना नहीं है कौशिक, उसे फर्क नहीं पड़ता हम कौन है, वो सबको मारते रहता है। सोचा नहीं था ऐसा कैंपस होगा, मेरे को तो मैदान जंग लगता है। कौन से कॉलेज से? कुछ पूछा ना मैंने, जवाब नहीं है तेरे पास? बता बता सर, कौन से कॉलेज से तू? छोड़। स्टैंड अप, सुनाई नहीं दिया क्या? ये सब क्या है? नकल करते हुए पकड़ा गया एग्जाम में। बस कर भाई, आप उनकी इज्जत का कार है। अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो ना, आपको मजाक सूझ रहा है। उस साले ने सबके सामने क्लास में मेरी इंसल्ट की। मैं बोल रहा हूँ बाहर मिलने दे उसको, उसको बता दो मैं कौन हूँ, किसका भाई है, बता दो मैं उसको। अरे महेंद्र यार, समझा रहे उसको? कितनी खींचोगे भाई? भाई छोड़ दो ना भाई, देख मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी छोड़कर चला जाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है, अरे तू चल 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 चल। देखो मुझे भी हंसी आ रही है, छोड़ दो। अरे भाई छोड़ दो ना, कितना कीजोगे? डियर स्टूडेंट्स, 3 बजे तक एग्जाम्स के रिजल्ट आप सबके कॉलेज की बुलेटिन बोर्ड्स पर लगा दिए जाएंगे। ए साइड रे, हट हट, जाने दे मुझे। अबे समझ में नहीं आ रहा किस पागल ने लिस्ट ऊपर नीचे कर दी, क्या चल रही है? ए नारी शक्ति, मैं कह रही हूँ रास्ता छोड़ो मेरे लिए, हट। लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं? अरे फेल बच्चों का नाम नहीं होता इधर। अरे बच्चा समझ के मार मत, नाम ढूंढ अपना। एक तो मेरा भी नाम नहीं मिल रहा, कोई भी आके घंटा बजा देता, समझते क्या वे? क्लास में इज्जत निकालेगा मेरी तेरी तो। और बता है लल्लान, शक्ल बिगाड़ इसकी, हट साले, उनको पकड़ेगा। चल मारना। अब दू क्या, एक डरा था क्या, एक कमीने, एक तो सुबह से वैसी फटी पड़ी है, सुसु निकल जाता है रिजल्ट वाले दिन। चल बे रानी को लेके दिखा। अबे कॉलेज का लड़का लड़की छोड़, घंटी भी इज्जत नहीं कर रही अपनी, स्वैग बढ़ाना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ रे तेरे को? अबे कुछ नहीं हुआ, काम कर ले अपना। अबे टेंशन में लग रहा है इसलिए पूछा मैंने। खेल रहा हूं ना। अबे हाइट छोड़, इज्जत भी कम हो गई है, तू पास हो गया मैं फेल हो गया बे। ए खेल रहे? अरे क्या बात है, पूरे साल से निकल गया रे, तब भी तू पास हो गया मैं फेल हो गया, कैसे किया तूने? मेरी तो घर जाने में फट रही है भाई, पिताजी को पता चलेगा तो मेरे बाल कटवा देंगे। अबे मेरी बात सुन लो, मोराल तो बूस्ट करो। अबे क्या देख रहा है रे, खेलना? अबे एग्जाम के गेम में तूने मुझे जिता दिया जॉर्ज, तो ये क्या चीज है? अरे जीत तो तेरा ही है ना रे, चल खेल। हाँ यार भाई, उन्होंने रमन मास्टर को मारा भाई, इसने ललन के साथ बाहर के लोग थे। कैंटीन के सामने भी इन्होंने हंगामा खड़ा किया था। अरे यार पास हो गए 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए, कम से कम झगड़े से पहले एक पार्टी तो हो जाए। क्या पार्टी की बात कर रहा है तू? इस ललन ने कैंपस की वाट लगा के रख दी है, जब भी आता है लड़ाई झगड़ा करते रहता है, समझता क्या वो खुद को? चल मणिपाल, उसको सबक सिखाने का वक्त आ गया। चलो मैं भी आता हूँ। चलो यार, चल 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 चल। चल यार दोस्त चल पड़ा तो अपने को भी चलना पड़ेगा। ए कौन है रे तू?
ए, कौन लोग आए रहे तुम? क्या करने को आए यहाँ पे? ये तेरे को ही पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या करने को आया तुम लोग इधर? कॉलेज पढ़ने की जगह समझा? तेरे को पढ़ने का है तो पढ़, बाहर के लोग इधर देखने नहीं मांगते, वरना हड्डियां तोड़ता मैं तेरी। अरे सत्या भाई, कोनो परेशानी की बात नहीं, हमने मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। शहर के बाहर एक मस्त जगह है, वहाँ शिफ्ट हो जाओ और मजे से जिंदगी गुजारो, ठीक है ना? क्या खा ठीक है? कौन सी जिंदगी? इंसानियत बेच चुके हो तुम लोग, हैवान है तू। सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है हम लोगों को, बेघर हो चुके हैं हम। जल्दी खत्म करो। अरे रुको जरा, कहता है कहीं और चले। तुमको क्या लग रहा हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं? इन लोगों का घर उजड़ गया है। हाँ देखो, ऊपर वाले का शुक्रिया करो, आग में जलकर कोई मरा नहीं ना। छोटे छोटे बच्चे हैं बस्ती में, उनका क्या? हाँ समझने की कोशिश करो। अरे कितनी बार समझाएं तुमको? हैं? अरे तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलो। काम हो गया, अंगूठा लगवा लो। ठीक है। अरे हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सोचा है हमने, समझे ना? किशन भाई। हाँ क्या हुआ? कॉलेज में बहुत बड़ा लड़ाई हो गया। क्या हुआ रे? ललन भाई को बहुत मारे। किस किस शामत आई है रे? बहुत लड़ाई हुआ, बहुत मारा मारी हुई, बहुत मार लग गया उनको भाई। किशन कल कोर्ट में सुनवाई है। बहुत जना मारे भाई, बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। बल्लू भाई पता कर कौन है। हाँ भाई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये। जॉर्ज की आंसर शीट पढ़ के उससे मिलने आए हैं यहाँ पर। तुमने एग्जाम्स टॉप किए हैं जॉर्ज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जरूर आऊंगा सर। ये मेरा टेलीफोन नंबर है, कॉल करना। ऑल द बेस्ट। ए जॉर्ज। ए जॉर्ज। कांग्रेट्स। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन। सही है। हाँ हेलो, बेवकूफ हो क्या? कितनी बार कहा है कैमरा कैंपस में अलाउड नहीं है। रुको रुको मैं भेजवाता हूँ। मैडम सत्या सर आ गए।
हाय सत्य जी। नमस्ते सर। हमारी कल ही बात हुई थी, तो आपको जॉर्ज रेड्डी याद है ना? जॉर्ज, काफी दिनों के बाद ये नाम सुना है। हाँ, तो आप और वो कौशिक जॉर्ज के खिलाफ क्यों थे? मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं, लेकिन वो हमेशा हिंसा का इस्तेमाल करता था, मुझे और कुछ नहीं पता। हिंसा का इस्तेमाल? क्या मतलब, वो कोई गुंडा था क्या? I'm sorry, पर वो एक गोल्ड मेडलिस्ट था। मैंने ये भी सुना है कि उसे मुंबई यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी थी। सीरियसली गॉड, मैडम उन्होंने कुछ कहा क्या? ए जॉर्ज, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। जॉर्ज, क्यों लफड़े में पड़ रहे हैं यार? कुछ नहीं। अरे जॉर्ज, मैं भी आता हूं। राजन ना, तुम आता। हाय जॉर्ज। हाय। मुंबई यूनिवर्सिटी में तुझे एडमिशन मिला, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जाने की सोच रहा है क्या? यू बिलोंग हियर जॉर्ज। हमारे स्टूडेंट्स को एक लीडर की जरूरत है जो सही रास्ता दिखा सके, एंड दैट इज यू। एक बार फिर से सोच ले, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो इन स्टूडेंट्स को एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है। जस्ट थिंक अगेन। जॉर्ज, एक बार फिर से सोच, अगर हम एक हो गए इन स्टूडेंट्स का फ्यूचर बदल जाएगा। बाय। सुना क्या, क्या बात हुई? आप बताएं। चलो रे। क्या बात कर रहा था वो, इसके साथ चला गया तू? क्या रे, सब लोग इतना चुपचाप क्यों हैं? कुछ नहीं, तेरे साथ बहुत वक्त बिताया ना, तो तेरी बहुत याद आएगी। भाई चाय। ऑल द बेस्ट जॉर्ज, जम के बढ़ना। तुम लोग पहले अपना देख लो, वो तो अपनी पढ़ाई कर लेगा, पहले तुम लोग अच्छे से पढ़ लो मेरी तरह। हाँ जरूर, अब तू हमें पढ़ना सिखाएगा। जाने से पहले मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। बोल क्या करना है? बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने डर का इलाज किताबों में ढूंढ रहे हैं, मेरे को 10 मिनट के लिए उनसे बात करने का। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? सुन ना, क्या हुआ है तुझे, बता मुझे। जॉर्ज मुझे पसंद करता है, उसने जो पेन मुझसे लिया था वो आज तक उसने संभाल के रखा है, मेरा रुमाल तक उसने संभाल कर रखा है, मुझसे बुक्स भी मंगवाता है, और अब वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी जा रहा है मुझे छोड़कर। ऐसा कैसे कर सकता है वो? कल आर्ट्स कॉलेज में जॉर्ज ने मीटिंग के लिए बुलाया है। ए ललिता, कल आर्ट्स कॉलेज में जॉर्ज ने मीटिंग के लिए बुलाया है। हाँ, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कौशिक, इसका हर रोज कैंपस में एक अलग नाटक होने लगा है। आर्ट्स कॉलेज में उसने कोई मीटिंग बुलवाई है, हम उसे नहीं होने देंगे। सही कहा, मीटिंग को रोकने के लिए कुछ करना होगा हमें। हेलो ब्रदर। हाय साई, आओ बैठो। कल जॉर्ज की मीटिंग में अपने 50 लोगों को लेकर जाना। लफड़ा करने के लिए? उसका सपोर्ट करने के लिए। येड़ा हो गया क्या कौशिक, उस कल के लौंडे को सपोर्ट? इसे राजनीति कहते हैं, तुम नहीं समझोगे। भाई ने क्या मस्त चेकमेट किया। सत्या, भैया ये कौन है? भैया साला कल का आया हुआ लौंडा, और हर रोज ये तेवर बदल रहा है, आखिर इसका प्लान क्या है? भैया आर्ट्स कॉलेज में मीटिंग रखता है वो समझ में आता है, लेकिन बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के कोई मीटिंग रख सकता है क्या? लेकिन वो रख सकता है भैया। अब आज इसे देखकर कोई और कल ऐसा करने लगा तो क्या करेंगे भैया?
चलो कोई मीटिंग नहीं है इधर। चलो कोई मीटिंग नहीं है। चलो मीटिंग नहीं है। अरे क्या टाइम पास कर रहे तुम लोग? चलो मीटिंग के लिए, मीटिंग के लिए जाना नहीं है। अरे क्या कर रहे तुम लोग? चलो मीटिंग है ना अंदर। अबे रहने दे भाई, सत्या से पंगा कौन लेगा? साला एक मीटिंग में आने से फटती है तुम्हारी। इतनी मुश्किल से मीटिंग रखी है और तुम लोग की? तुम लोग के फायदे के बारे में सोच रहे हैं और तुम लोग को आना नहीं है? बुलाना नहीं आना। चूड़ियां पहनो अपने हाथ में और भाड़ में जाओ, डरपोक कहेंगे। नहीं आएगा भाई। अरे यार मैंने बोला था ना वो लोग नहीं आएंगे, हर घंटे में अपनी पार्टी बदलते रहते हैं। बकरियां होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। सबके दरवाजों के बाहर ताले लगा दिए हैं। कब तक सहते रहेंगे हम लोग? कब तक बाहर बैठे रहेंगे ऐसे? बोलो ना। सबके सब डरपोक हैं, समझते नहीं है। उनके भले के लिए मीटिंग रखी है ना। ए चलो रे सब लोगों को इकट्ठा। हाँ, चलो नहीं आना यार, किसी को जबरदस्ती लाओगे? तू अपनी जबान बंद रख। उस पे दादागिरी मारेगा गुंडा है क्या तू? अगर जॉर्ज नहीं होता ना तो तुझे यही मारता मैं। जॉर्ज अरे कौशिक, तुमने तो सिर्फ 50 लोग ले जाने को कहा था ना, लेकिन वहां तो 5,000 लोग इकट्ठा हो चुके हैं। 5,000 लोग? हाँ, जॉर्ज की मीटिंग के लिए 5,000 लोग आए। हाँ भाई, साला ये आखिर है कौन? मेरे पे विश्वास करके यहां पर आने के लिए थैंक्स। एक बात बताता हूं याद रखना, कुछ भी बन नहीं सकता, कुछ भी मिट नहीं सकता, कुछ भी नहीं। डर लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में हौसला है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये कॉलेज छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। आज से बनानी शुरू करो एक नई सोच, एक नई पहचान। आज तुम लोगों ने एक कदम उठाया है, पर क्या यह काफी है? इसी कॉलेज में रहकर मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। क्या चुप बैठे रहने से कैंपस की परेशानियां दूर होंगी? दिमाग घूम रहा है इतनी भीड़ देखकर। जुल्म को मिटाने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंको। हमारे साथ कितना भी गलत क्यों ना हुआ हो, चाहे मुश्किलों से निकलने का रास्ता नजर ना आए और दम घुटने लगे, फिर भी सीने में दहकने वाली चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए। यह वक्त चुप रहने का नहीं, मुंह खोल के बोलने का है, समझे? तो आज से तुमको कोई भी कैंपस में किसी भी तरह का भेदभाव करता नजर आए तो उसका मुंह तोड़ देना। अगर कैंटीन में अच्छा खाना ना मिले तो उनको भगा भगा के मारना। कोई तुम लोगों की रिसर्च रोके या स्कॉलरशिप में टांग अड़ाए, उनकी गर्दन पकड़ के झिनझोड़ के सवाल पूछना उनसे। यहां पर कोई किसी का बाप का नहीं खाता है। हमारे माँ बाप की मेहनत की कमाई से भरी फीस से यह यूनिवर्सिटी चलती है। इसलिए अपने मन से मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं ऐसी बातें निकाल दो। अपने सम्मान के लिए लड़ो, अपने अभिमान के लिए लड़ो। जो हमें इज्जत नहीं देगा, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। भाई अगर आपके जैसा लीडर हो तो क्या डर है? हम आपके साथ हैं जॉर्ज। ये सब बचपना कर रहे हैं भैया, ऐसे तो कितने आकर चले गए। कभी मुझे इतना चिंतित देखा है? 5 साल पहले मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। ये एक नई शुरुआत है। Raise your voice! 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 Now was a man, treated like a man.
देखा दादी, आपका कॉलेज कितना बदल चुका है। ओके बाय, आपकी दोस्त को बाय बोलो। बाय बाय। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये आपकी और दादी की कॉलेज के दिनों की फोटो है। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी ना? सेम। तुम बिल्कुल उनके जैसी दिखती हो। सुना है कि कॉलेज के दिनों में आप लोग कैंपस के बाहर कदम रखने से भी डरते थे। बिल्कुल सही सुना है। रुको, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या ये जॉर्ज ने अपने हाथों से इसे बनाया था? हाँ, फादर इसके बारे में बात करते थे। ये वही झंडा है मैडम। वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था इसे देखूंगा। आगे की पढ़ाई के लिए मैं ये कैंपस छोड़ रहा हूँ। ये क्या है भाई, ये लोग नई सरकार लाते और नया नया भाषण करते रहते हैं। Will you have tea? अबे हमें इन सब से क्या लेना देना, हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या? यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा के दम पर ये कैंपस ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। चुप कर रहे, कल तो यही लोग हमारी मीटिंग में तारीफ कर रहे थे और आज देखो इनको। आज के बाद कैंपस को लीड करने की जिम्मेदारी है अर्जुन की। भारत माता की जय। भारत माता। अरे ओ भाई सुनो, बकरियां बनके सब लोग आज तक सत्य की बात सुन रहे थे, आज के बाद अर्जुन की सुनेंगे। ओके बाय। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। अरे भेड़िए हैं और अंधे भेड़िए, बस खड़े होकर नारे लगा सकते हैं और कुछ नहीं। एक क्रांतिकारी चल जाना यार, एक क्रांतिकारी तू भी चल। अरे क्या हुआ यार, तू तो बहुत बदलाव लाने वाला था ना, जा जा बदलाव लाके दिखा। जरूर लाऊंगा, लेकिन मैं नहीं, श्रीदेवी। इस तरह से आज तक आपने सत्या भाई पर भरोसा किया है, मैं भी उस भरोसे को जीतने की कोशिश करूंगा। सत्या भाई की जय। आ गए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ कैसे आना हुआ सती? हमें अपनी जमीन वापस चाहिए साहब, घर से बेघर हो चुके हैं। देखो तुम लोग झोपड़ी में रहते हो, सरकार तुम पर रहम करके पक्के घर दिलवा रही है, परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छे से सोचो, चलो चलते हैं। साहब लेकिन हम मरे या जिए इन्हें क्या फर्क पड़ता है? बोलो कौशिक। सर इस बार वो सत्या नहीं खड़ा हो रहा, इस बार वो गधा अर्जुन खड़ा हो रहा है। बैठो बैठो, बैठ जाओ तुम लोग, पहले बैठो, सब ठीक हो जाएगा। जोश में आकर हम कभी नहीं जीत सकते। वो जो अर्जुन है ना, गुस्से वाला है और थोड़ा सिरफिरा भी है। उसके गुस्से को अपने लिए सहानुभूति में बदलो, वो गुस्से में आकर कोई गलत कदम जरूर उठाएगा। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। ओके मिलते हैं। चलता हूं सर। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट है। इस बार दो नहीं तीन पार्टियों ने कॉलेज के इलेक्शन के लिए अपना नामांकन किया है। कल से कैंपेन स्टार्ट करने के लिए वीसी ने परमिशन दे दी है। कौशिक जिंदाबाद, कौशिक जिंदाबाद, कौशिक जिंदाबाद, कौशिक जिंदाबाद, कौशिक जिंदाबाद, कौशिक जिंदाबाद, अर्जुन 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 जिंदाबाद। बाहर जब इतनी बड़ी कैंपेनिंग हो रही है तो पता नहीं हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। आज अचानक हमारी क्लास में कुछ काम है क्या? तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अपनी पार्टी के लिए झंडा होना। झंडा होना? तुम्हारी पार्टी का कोई खास एजेंडा है? कैंपस में जो अन्याय हो रहा है उसकी झलक झंडे में दिखनी चाहिए। उसके लिए लाल झंडा सही रहेगा। ए राजू सुन। हाँ भाई। इधर आ। माया जरा अपना हेयर बैंड देना।
हाथ दे अपना। अब कस के मुट्ठी बंद कर। गया, सही से लगा दिया। चलो दिया। आगे चल। इन पोस्टर्स को उधर लगा कुआ। क्या देख रहा है बे? बंदे रे। हाँ? तू अपना वाला पोस्टर लगा दे। We might be the product of the past, but never prisoners of it. पिछले 3 सालों से गुलामों की तरह जी रहे हैं। अगर हम शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जब मन में आया वो हमें परेशान करेंगे। मेरे ऑपोजिशन अर्जुन को उसके पद से हटाना होगा और उसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक गीदड़ चाहे कितना भी दहाड़ने की कोशिश क्यों ना करे, वो कभी शेर नहीं बन सकता। पिछले 3 सालों से स्टूडेंट्स हमारी जीत और उनकी हार का इंतजार कर रहे हैं, और इसी बीच न जाने बिना सर पांव की कितनी सारी पार्टियां आती रहती हैं लड़ने के लिए। उनके शुरू होने से पहले उन्हें खत्म करना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या आपको पता है हमारे कैंपस में किस पार्टी का झंडा सबसे ऊंचा है, जो सबसे प्रभावशाली है? लेकिन झंडा जरूरी नहीं होता है, एजेंडा जरूरी होता है। क्या वो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं? क्या वो आपकी आवाज़ सुनते हैं? क्योंकि उनका मकसद यहाँ पर सिर्फ राज करना है। इसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन कभी अपनी गलती नहीं मानते। इस कैंपस को 100 कस बना चुके हैं ये लोग। हमारा एजेंडा इन दोनों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। भैया पान, गाने सुनते रहते, हटो। तुम चला रहे? अरे गोधेड़ो, फिर से समझाओ इसे, जब देखो मारती रहती है। कॉलेज नहीं जाते और लड़कियों की तरह घर में बैठे रहते। कल के नए आए कैंडिडेट पर भी ये ताली बजा रहे स्टूडेंट। कुछ लोगों के ताली बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शंस की ज्यादा चिंता मत करो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि हमें जिसकी जरूरत है। नमस्ते भाई। वो है सहानुभूति। सहानुभूति? वो कैसे? आज उस अर्जुन के पार्टी वालों ने हमको मारा, कल इसको भी मारेंगे। तुम सब पीटोगे, खाने पीने पर भी मारेंगे, परमिशन लिए बिना टॉयलेट जाने पर भी मारेंगे। ये कैसा पॉलिटिक्स है? हाँ अर्जुन, क्या बात है लक्ष्मण? अर्जुन, ये बाहर का फसाद सुना ना तुमने? ये कल की आई नई नई लड़की हम पर सवाल उठाने लगी, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो रही है? और यहां दूसरी तरफ वो साला कौशिक भोला बनकर सबकी सहानुभूति ले रहा है। वाह, लगता है ये यूनिवर्सिटी नहीं अब तो युद्ध का मैदान ही बन चुका है। अर्जुन, कौशिक जिंदाबाद, 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 बीएस जिंदाबाद, बीएस जिंदाबाद, बीएस जिंदाबाद, बीएस जिंदाबाद। भाई आप चिंता मत करो, चिंता मत, इस बार आप ही जीतोगे। ए जल्दी चिप करे। ए रामकृष्णा, यहाँ पर क्या कर रहा है? एसआई तू जाके अपना काम कर, फालतू का उछल मत, समझा? ए, ए, चुप। ए, ए, ए। ए, जल्दी चिपका बे। कैंपस में इस बार 3 पार्टियों के बीच इलेक्शन है। इस इलेक्शन ने तो
पॉलिटिकल इलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिए सर। उनके फसाद दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। कैंपस में सिक्योरिटी काफी टाइट करनी पड़ेगी। देखिए कोई भी अगर रूल तोड़ेगा तो मैं उसे सस्पेंड कर दूंगा। ये सब दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पे चलने नहीं आता, आसमान छूने की बात करते हैं। बहुत सर चढ़ लिए ये लोग, अब बस हो गया। पिछली बार उस सत्या को जिताकर हमने गलती कर दी थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलती को सुधार लें। इन झूठे वादों की कोई जरूरत नहीं है, हमें एक्शन चाहिए और वो मैं करूंगा। तुम सबके सपोर्ट के लिए मैं हूँ। आज देश आजाद होने के बाद भी हम सभी गुलामों की तरह जी रहे हैं। दूसरे देश आज सभी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तुम जैसे लोग लोगों को देश के नाम पे भड़काते हो, खबरदार फिर ऐसा किया तो। बोलो दम है कि नहीं? एक बार फिर से बोलता हूँ, ना वो कौशिक कुछ करेगा और ना ही वो जॉर्ज रेड्डी। सबके सब राजनीतिक पुतले हैं और तुम्हें पागल बना रहे हैं। छोड़ना मत इन्हें। क्या सिर्फ सवाल करने से परेशानी दूर हो जाएंगी? इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। वो इमोशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, नफरत फैलाकर जीत हासिल करना चाहते हैं, और ऐसा हो गया तो फिर से अमीर लोगा गरीब लोगा को दबाते ही चलेंगे और झगड़े फसाद चलते रहेंगे। उनकी चाल में कभी मत आना। स्टूडेंट्स को बोलो कि सवाल पूछने की हिम्मत करें। उन सबको समझाओ कि झंडे को नहीं एजेंडा को देखें। रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस। आज तक तुमने किया क्या है भाई? इलेक्शन के टाइम पे ही तुम्हें हम स्टूडेंट्स की याद आती है। जब कैंटीन का हड़ताल हो रहा था तब तुम लोग कहाँ थे? तुमने कहा था इलेक्शन के बाद बदलाव लाओगे, लेकिन जीतने के बाद एजेंडा बदल देते हो। अरे इतने सालों से पावर में हो, तुम लोगों ने किया क्या है? आज भी स्कॉलरशिप के हकदार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है? रैगिंग की वजह से स्टूडेंट परेशान होते हैं, तब क्या करते हो तुम लोग? ये बताओ क्या किसी को फर्क पड़ा जब खाने में कॉकरोच निकला? वोट हमसे लेते हो और स्कॉलरशिप अपने दोस्तों को देते हो। तुमसे मदद लेने के लिए तुम्हें सत्ता में लाना जरूरी है। ए नितिन। हाँ कौशिक। स्टूडेंट लोग सवाल कर रहे हैं तो तूने पोस्टर चिपकाना ही बंद कर दिया क्यों? वो अर्जुन के पार्टी वाले हमारे पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर चिपका देते हैं। इतना ही नहीं, हमें मारने के लिए ढूंढ रहे थे। इस अर्जुन के हर पोस्टर पे गोबर चिपका होना चाहिए। यार अर्जुन, उस एक लड़की की वजह से कैंपस में आज बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, और ये जो भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस नए लड़के की वजह से हो रहा है जिसने रेज योर वॉइस के नारे लगाए थे। अब इससे पहले कि ये और ज्यादा बढ़े, उन सारे सवालों का एक जवाब देकर हमें उसका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। सही समय का इंतजार करो, बस एक छोटी सी गलती और जॉर्ज खेल से बाहर। राजन, कल इलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबको सुबह 8 बजे रेडी रखना। आराम से जाना भाई, रास्ते में किसी से लड़ना मत। अरे भाई, तू भी जाके छोड़ देना। ए, कल सुबह को टाइम से आ जाना। ठीक है भाई। बाय जॉर्ज, बाय जॉर्ज। चलो चलो जल्दी जल्दी, चलो कोई तो आ रहा है, चलो जल्दी भागो, जल्दी निकलते हैं। सही बात है, जाके कुछ खा लेते हैं जल्दी। जल्दी करके आना भाई, इसको कभी भी लग जाती है। अबे इतनी देर लगती है क्या वो करने के लिए? जल्दी जल्दी करना। अबे मेरा डाउनलोडिंग लंबा चलता है। आराम से कर, चलना कितना टाइम लेगा? बस बस फिनिशिंग अब भाई। राजन्ना, ये गोबर किसने डाला है? इस गोबर के बारे में तू हमें क्यों पूछ रहा है? अर्जुन के पोस्टर्स पर तुम लोगों ने गोबर फेंका ना? ए, क्या बोल रहा है? हम क्यों करेंगे? क्या सच बताए, तुम लोगों ने किया ना? इल्जाम लगाने से पहले, अरे ए, चुप रह। क्या कर रहा है तू? चुप रह, रोकना उसको। चुप। तुझे लगता है ना मैंने किया, तो जो उखाड़ना है उखाड़ ले, चला। ए, साइकिल को साइड में रख, जल्दी कर। भाई सुनो भाई, उस राजन ने आपके पोस्टर पर गोबर डाल दिया। हाँ भाई, बोला तो बोलता है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। सिर्फ राजन को ही नहीं, जॉर्ज की पार्टी का किसी भी आदमी को छोड़ूंगा नहीं। बैठो गाड़ी में। बाहर इतनी गर्मा गर्मी है, तुम यहाँ चिल मार रहे हो, कुछ तो बोलो कौशिक।
दो दुश्मनों की लड़ाई में जीत तीसरे की होती है। जस्ट वेट एंड वॉच। एक तो भाई का पोस्टर्स खराब कर दिया, ऊपर से हमें ही ताव दे रहा है। पोस्टर खराब करके हमसे ही सवाल कर रहा है। अबे भाड़ में गया तुम्हारा भाई? ए ज्यादा मत बोलो, चुप बैठो, ज्यादा बोलना नहीं। रुको, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। ए यहां से चलते बनो, नहीं तो गाड़ दूंगा। बोलेगा तो जिंदा गाड़ देंगे। कौन है भाई? पुलिस ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सबको बहुत मार रही है भाई। रात को मैदान में राजन्ना की अर्जुन के समर्थकों से लड़ाई हो गई। माँ मैं जाकर आता हूँ। ठीक है, ए, चल। नहीं सर, आप बेफिक्र रहिए सर, वो सब हो जाएगा। एक मिनट होल्ड कीजिए। मूर्ति। हाँ सर। ये कौन है? अरे सर, ये तो वो जॉर्ज रेड्डी है जिसने इलेक्शन में तीसरी पार्टी बनाई है। ये वही है सर। मैं कॉल करता हूँ। एक बार पहले भी आप इससे मिल चुके हैं। इतनी हिम्मत? अरे कहाँ जा रहे हो सब? अरे रुको, सबके सब रुको। इसके तेवर देखे सर? वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स की भीड़ लगी है इस बार वोटिंग के लिए। वोट देने से पहले एक बार सोच लेना। नाम क्या है? साई। इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। 2730 मत पाकर जॉर्ज रेड्डी की पीएस पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। जीने नहीं देंगे। उस पर विश्वास करना सबसे बड़ी गलती थी। ये सब तुम्हारे भरोसे थे और तुमने इनके घर जला दिया और सेटलमेंट किया। सुनो, यहाँ से चलते हैं, अपनी जान तो बची रहेगी। इलेक्शन जीतने के बाद ना उनका चेहरा देखने लगा, खासकर लक्ष्मण और कौशिक का। देखा तूने कभी? भाई किशन के लोग हमारा सारा सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। सबको बहुत माइक स्टार्ट कर मणिपाल। चल चल चल। चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस कैंपस को हमारे बाप दादाओं ने बनाया है। ये जमीन हम सब की है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो। ये अत्याचार है, अन्याय है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
रुक तू छोड़ो देखता हूं ए इसको मैं छोड़ूंगा नहीं देखो अभी इसका क्या करता हूं ए ए, अगली बार यहां दिखा तो एक एक का सर फोड़ दूंगा। तुझे तो बाद में देखूंगा। क्या रे कॉलेज क्यों नहीं जाता? सबसे झगड़ा करता रहता है फिर निकम्मों की तरह बैठा रहता है। ठीक से खाना भी नहीं खाने देती है। खुद तो नहीं पढ़ते, साथ में जो पढ़ने वाला है उसको भी खराब कर देते। और कितने दिन ऐसे लड़ाई और झगड़ा करते रहोगे? करती रहती हो। बिल्कुल चुप। ए बचुआ, कल से तू कॉलेज के लिए जा। हाँ? ये वाला चैप्टर बहुत जरूरी है। हाय माया। हाय माया। ओके जॉर्ज, बाय। हाँ ठीक है। और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? वो तो हॉस्टल चली गई। अच्छा, तुम नहीं गई साथ में? नहीं। क्यों, कुछ काम था इधर? ऐसे सोचा बारिश देख लूं। हाँ, बारिश किसको पसंद नहीं आती, इस मौसम की बात ही कुछ अलग है। जॉर्ज, जब मैंने तुम्हें पहली बार कैंटीन में देखा था तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। मैं सच में हैरान थी कि तुम मुझे क्रांतिकारियों की बुक्स पढ़ने को आखिर क्यों दे रहे हो, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद मैं तुम्हें समझ पाई हूँ। और तुम्हें समझने के बाद मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहने आई थी। ओ माया, ये पेन उस दिन लिया था ना, वापस देना भूल गया। Thank you.
बेटा कैसे लगा? सवाल कुछ नहीं हुआ, ठीक है। टेंशन ना बोले माँ, मैं ठीक है। बस आपस में लड़ते रहते हैं। नमस्कार। उसको इतना मारने की क्या जरूरत थी? हमारे बच्चे उसको ऐसे ही छोड़ देंगे का? लगा दिए उसको 20-25 चपेट। वो कोई छोटा मोटा स्टूडेंट लीडर नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आ गए, इनको ठीक से समझा देना। समझाने के वास्ते ही बुलाया है? मुझे सब पता है सर, लेकिन स्टूडेंट्स दबाव डाल रहे हैं। फिलहाल मैंने कंप्लेन दर्ज नहीं की है। ये जॉर्ज के दोस्त तो हद से बाहर जा रहे हैं। उसके कैंपस लौटने के बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सारे स्टूडेंट्स तेरा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। जॉर्ज भाई कैसे हो? भाई आ गए। कैसे हो मेरे भाई? राजन ना कैसा है? भाई कैसे? बहुत अच्छा हूं। भरत सब ठीक है? सब ठीक भाई। हाय। एक मिनट साइन। कैसे हो? हाय जॉर्ज। बढ़िया है जॉर्ज, हम लोग तुझे याद कर रहे हैं। भाई कैसा है तू? हाँ ठीक है। ठीक है, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। अरे तू बोल, कॉलेज को जा रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ, पढ़ाई जा रहा है वो। मेरी किताबें वापस कब देगा? नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। हाय हाय। अरे अभी तो भैया ने फालतू लोगों को भेजा था, शायद दो तीन बार अच्छे से मारा होता ना। हट बे लंगूर, इसको मरे हुए 3 महीने हो गए। क्या बोला तूने? तू कौन है बे? जो तूने बोला उसे दोबारा बोल। कौन है बे तू? अबे जो बोला उसे दोबारा बोल ना। तेरे को क्या हुआ रे? मेरे को क्या हुआ पूछता? तू यहीं पे रुक, यहीं पे रुक। अरे यहीं पे रुक तुझे। आना आना, क्या करेगा तू? पीछे तुझे मारूंगा मैं। बहुत बोलता है ना तू। बता तेरा सर छोड़। आना आना छोड़ ना। नहीं ललन, पीछे 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 छोड़ रे, यहीं पे मार दूंगा तुझे। तो स्टूडेंट है इसलिए छोड़ रहा हूं। दूसरी बार कोशिश भी किया ना तो काट के इधर कोई डाल दूंगा। चल निकल। मारो ना भैया उसको। अगर इसको मार दिया तो पूरा कैंपस सुधर जाएगा। अबे देख क्या रहा है, निकल यहां से। अगर इसकी कंप्लेंट करने जाए ना पुलिस स्टेशन में तो लिखने से मना कर देते हैं। क्या करेंगे फिर? चलो पहले वीसी को कंप्लेंट करते हैं। भाई पहले ही कंप्लेंट कर चुके हैं। वीसी को कंप्लेंट करके कुछ नहीं होगा। अरे मेरे भाई अभी तो ठीक होके आया है, फिर वापस शुरू करेगा। अरे तेरे को कितनी बार समझाया बीच में नहीं बोलने का। ये सुधरने वाला नहीं है, इसे बाद में देखते हैं। तो मेरी बात सुन जॉर्ज, इनको सबक सिखाने तो वीसी से मिलना ही होगा। मिलेंगे पर वीसी से नहीं। डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मुझ पे किए हुए हमले की बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि किसानों की बात करने आया हूँ। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और नेता हाथ पे हाथ धरे अपने आलीशान घरों में बैठे हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें जब कैंटीन में खराब खाना मिला, हम उसके लिए 1 हफ्ते तक लड़े, पुलिस स्टेशन तक गए हम लोग, कैंपस को 1 हफ्ते तक बंद करवाया। लेकिन अब हमारे अन्नदाता किसानों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है
तो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। किसान हमारा अन्नदाता है, उन्हें बचाना हमारा फर्ज है। किसान हमारा अन्नदाता है। अर्जुन भाई, अर्जुन भाई। क्या रे महेंद्र, इस वक्त यहां क्यों आए हो लल्लन? छुप छुपा कर आ रहा हूं यहां पर, कॉलेज जाने से फटती है मेरी, कैंटीन या ग्राउंड पर जाने में शर्म आती है। इधर ही जन्मा, इधर ही बड़ा हुआ। किशन सिंह भाई है मेरा, ललन, ललन सिंह नाम है मेरा। क्या करूं अब, मेरे इलाके में मेरी इज्जत निकाल दी उसने, मेरा मजाक उड़ाया उसने। जो कल तक कांपते थे मेरे नाम से, आज मेरे मुंह पर हंसते हैं। सुबह उठता हूं, चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है मुझे। लल्लन लुक्खा है, बस बैठकर ताली बजाता है। वो सोचता है कॉलेज के बाप का है, जो मदद करने हर जगह पहुंच जाता है, मसीहा है क्या? या तो जॉर्ज या मैं, कोई एक ही जिंदा रहेगा। तुम जानते नहीं अर्जुन भाई, रोज मैं मर मर के जीता हूं, अपना मुंह किसी को दिखा नहीं सकता। मैं खाते वक्त निवाला गले से नहीं उतरता है मेरे। छे इस बार इंजीनियरिंग का इलेक्शन मैं लड़ूंगा। मेरे जज्बात समझो अर्जुन भाई, बस एक चांस हो। तुमने क्या देखा अर्जुन, इसकी चाहत, इसकी भूख। यदि अगर इसी तरह सबको अपने मन का मिल जाता तो भारत के कुरुक्षेत्र में कभी महाभारत नहीं होती अर्जुन। पांडवों ने तो 5 गांव ही मांगे थे, लेकिन ये बेचारा तो बस एक कुर्सी ही मांग रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है, उन्हें बचाना हमारा फर्ज है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा अन्नदाता है, उन्हें बचाना हमारा फर्ज है। किसान हमारा अन्नदाता है। तुम लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे कैंपस में बैरिकेड लगवा दिए हैं, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। एमएलए होने के नाते और क्या कर सकता हूँ? इन सब परेशानियों को एक ही आदमी ठीक कर सकता है सर, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। स्टूडेंट लीडर जॉर्ज रेड्डी आपसे 2 मिनट बात करना चाहता है। टाइम नहीं है, अर्जेंटली मुझे कहीं पहुंचना है। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। हमारी मांगे अजय देव, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देश का भविष्य सिर्फ स्टूडेंट्स के हाथ में है। सर एक फोटो। कैंपस में प्रोटेस्ट चल रहा है सर, पहले ये एक छोटी बात थी लेकिन अब सरदर्द बन गई है। मीडिया ने तो इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया है सर। उनके गले में जान है तो चिल्लाएंगे, पर तुम्हारे हाथ में तो कानून है ना। बचाओ बचाओ किसानों को, बचाओ 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 किसानों को, बचाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान हमारे अन्नदाता है, किसान हमारे। इनके खिलाफ लड़ने के वास्ते हमें ताकत की जरूरत है, तभी हमारे हालात बदल सकते हैं। राजन्ना, हर बड़ी यूनिवर्सिटी को हमारे आंदोलन में भाग लेने का न्योता दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हो रहे दंगे अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स के लीडर जॉर्ज रेड्डी इस वक्त सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, पूरा देश एक ही नारा लगा रहा है। इस बार के इलेक्शन में जॉर्ज ही जीतेगा और किसी का चांस नहीं है। बिल्कुल सही कहा, मुझे तो पूरा यकीन है। नाम क्या है तेरा? भरत। कौन से कॉलेज से? इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। और तू? इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। साले गधा दिखता हूं मैं तुम लोगों को, पागल लगता हूं। हट हट हट, इधर इधर आ साले। इंजीनियरिंग कॉलेज का होकर तू मुझे छोड़कर उसको सपोर्ट करेगा? हट हट, इधर आ, तू इधर आ। अगर ये इलेक्शन में हारा तो याद रखना, पूछ इससे तेरा हाल क्या करूंगा मैं। शाना बनेगा मेरे सामने। मेरा नाम याद रखना, लल्लन। डियर फ्रेंड्स, आई रोट टू यू ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग टाइम। डियर स्टूडेंट्स, इस मुश्किल की घड़ी में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। अरे क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं यार, तू जाए यहां से, यहां पे काम चल रहा है। अबे जा, बोला ना तुझे, जा यहां से, मुंह बंद कर अपना। अगर एक भी शब्द बोला ना तो भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है, इधर के इधर ही काट दूंगा। अरे क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या पागलपन है? हाँ, हम नहीं जानते क्या कि ये कैंपस क्यों आया है? क्या दिया इसको कैंपस ने? हाँ बोल ना, तू बोल। पूरे 22 जख्मों के निशाने इसकी पीठ पर, और इसके जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। बड़ी भोली है इसकी मां, सोचती है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा, बड़ा नाम करेगा, इसलिए वापस ठीक करके भेजा है इसको कॉलेज में। लेकिन तुम लोगों को चैन नहीं है ना फिर से इसको लड़ाई के लिए भड़का के छोड़ देने का। ए, मौत सिर्फ एक ही बार आती है। We have raised our voice to protest, but our protest has remained unheard. We have marched in procession, and our procession has been broken up by police. We have erupted in spontaneous violence, and our violence has met with greater violence. Today, what we left with us is organizing ourselves and meet violence with violence. मेरे भाइयों, हमारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि इसमें इंसानियत ही नहीं बची है। आजकल के सारे नेता उद्योगपति अपने ही लोगों की लाशों पर चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सुविधाओं को जरूरत नहीं बल्कि भीख समझा जाता है, भीख। पर हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। अब हमें इस करप्ट सिस्टम को बदलना ही होगा, हमें अपना हक चाहिए। कब तक ये हमें दबाते रहेंगे? एक चिंगारी कुछ ही घंटों में पूरे जंगल में आग लगा सकती है। हमारी जरूरत ही हमारी चिंगारी है। कैंपस में धारा 144 लगा दी गई है। कोई भी विद्यार्थी यदि ग्रुप में घूमता हुआ या किसी गलत काम में पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। सर, लाठी चार्ज करना पड़ेगा। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। दिखा दो सालों को। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। लल्लन, इतना धमकाने के बाद भी वो लोग जॉर्ज को सपोर्ट कर रहे हैं। लल्लन,
पहली बार जिंदगी में गलती की तुम्हारे ऊपर भरोसा करके। ये तो अपना ही ललन है ना अर्जुन। अरे रे 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 रे, ये इतना चुप चुप क्यों है? बस यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर बड़ा हुआ। किशन सिंह का भाई लल्लन, लल्लन सिंह नाम है मेरा। साला अपने इलाके में अपने लोगों की बेइज्जती की। साला लल्लन लुखा निकला रे, बस बैठकर ताली बजाता रहता है। अर्जुन, लल्लन ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा रे, सिर्फ एक चांस मांगा है इसने। या तो जॉर्ज या तो मैं। अरे रे 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 रे, गुस्सा आ रहा है क्या? तो फिर यह गुस्सा सही जगह पे निकालना लल्लन। थू। तुझे तो बहुत काम का समझा था लल्लन, लेकिन ये तो एकदम निकम्मा निकला यार। उस वक्त भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूं, ललन, ललन सिंह नाम है मेरा। सबके लिए मजाक बन चुका हूं। क्या हुआ रे? क्या हुआ? इसी जगह पे, यहीं पे मेरे चेहरे पर थूक कर सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जॉर्ज ने। अगर वो ये इलेक्शन जीत गया तो जान दे दूंगा अपनी। को चल तू। भाई इलेक्शन में सपोर्ट हासिल करने के लिए लल्लन स्टूडेंट्स को धमका रहा है। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुना है कि पुलिस कैंपस की पावर सप्लाई कट कर रही है। राजन्ना को दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजते हैं, वहां पर वो अपनी लड़ाई जारी रखेगा। जॉर्ज बी केयरफुल। हाँ हाँ माँ। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की। पढ़ो मुझे, ये बहुत ही गलत कर रहे हो तुम लोग। इस तरह कौन किसी को ले जाता है? ए मूर्ति सर, इसे पकड़ के ले। कहाँ मिला ये? राजन्ना है, इसके खिलाफ लल्लन ने कंप्लेन की है। इसे थाने ले जाकर लॉकर में डालो। ओके सर। ये गलत हुआ मेरे साथ। क्यों बे, सारी हेकड़ी निकल जाएगी जब जेल में सड़ेगा रात भर। जरा संभल के रहना, ले जाओ। मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया? तुम्हारी लड़ाई के बारे में सुना मैंने। अगर तुम हमसे हाथ मिला लेते हो तो हमारी लड़ाई और आसान हो सकती है। इस आंदोलन को अंजाम देना मेरी प्रेरणा रही है और हम लोग सही रास्ते पर ही चल रहे हैं। कल को मेरे को तुम्हारी जरूरत हो सकती है और तुमको मेरी, पर फिलहाल मेरा आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने सुना है कि कई लोगों की जान गई थी उन दिनों, आपको क्या फायदा हुआ? Don't worry, man, everything is fine. You want to see it? क्या ये जॉर्ज की गन है? Yes. एक स्टूडेंट लीडर को गन की क्या जरूरत? उसने अगर गन इस्तेमाल की होती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। तो मैं इसे रख लूं? एनीवेज आपको इसकी क्या जरूरत होगी? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? थैंक यू। देखोगे? देखोगे? कुछ नहीं है। मुस्कान, तुम्हें इस डॉक्यूमेंट्री से क्या हासिल होगा? We can change history. Let's go. Okay. George! George! माँ मैं जा के आता हूँ। और खाना? कैंटीन में खा लूंगा। तुम सब चौकन्ने रहना, ठीक है? पावर कट के लिए बोल दिया है सर। तुम वहां खड़े रहो, किसी को आने मत देना, समझे?
ये यहाँ क्या कर रहा है? ए, ए! खड़े क्या हो? पकड़ो उसे, जाओ। आगे पकड़ो उसे। पकड़ते हो जल्दी। देखो वो निकल रहा है। अरे पकड़ो उसे। सर, जॉर्ज पे काबू पाना और भी मुश्किल हो गया है। आज उसके साथ वहाँ हजारों लोग आए थे, बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूनियन के लोग भी जॉर्ज को सपोर्ट करने वहाँ पर मौजूद थे। अगर अपने कैंपस का ये हाल है तो पूरे देश का क्या होगा सर? वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो कानून के हत्थे लगी जाएगा। सर, मैं एक बात बताना भूल गया, जॉर्ज नक्सलियों से मिला था। हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी, कैंपस में लगता है इन्होंने हथियार छुपाए हैं। बचाओ, 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 बचाओ। हम सब विद्यार्थी होने के नाते जॉर्ज रेड्डी को सपोर्ट करते हैं। बचाओ, बचाओ, डियर फ्रेंड्स, जो चिंगारी हमने अपने कैंपस में जलाई थी वो आग बनके देश भर की यूनिवर्सिटीज में फैल चुकी है। ये हजारों लेटर्स उन स्टूडेंट्स ने भेजे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। कल के उगते सूरज के साथ देश भर के स्टूडेंट्स कैंपस की चार दीवारी से निकलकर बाहर जाकर सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। बस याद रखना मैंने क्या कहा था, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। सारी लड़कियों को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है ना? हॉस्टल को जा रहे क्या? हाँ जॉर्ज। अच्छा, राजन्ना की बेल का क्या हुआ? चल, हम निकलते हैं। कल बात हुई थी लॉयर से, दोबारा मिलने को कहा है। कल मेरे को दोबारा याद दिलाना। हाँ जरूर दिला दूंगा। अच्छा तू किस साइड जा रहा है? मैं कैंटीन की तरफ। मणिपाल, तुम इन दोनों को छोड़ देगा ना? आई विल ड्रॉप यू, वी विल मैनेज। अरे नहीं नहीं, कैंपस के चारों ओर पुलिस मंडरा रही है, इसलिए रिस्क हो सकता है। मणिपाल तुम दोनों को छोड़ देगा, ठीक है? हाँ जरूर। हाँ ठीक है, इन लोगों को छोड़ के कैंटीन। हाँ कैंटीन आता हूँ। ये अपने पास ही रख, बाद में लेता हूँ। ओके चल चलो। तुम्हें रुमाल चाहिए? थैंक्स। और बोल छोटू, तू किधर जा रहा है? भाई बहुत भूख लग रही है, कैंटीन जा रहा हूँ, बंद ना हो जाए कहीं। चल फिर साथ में चलते हैं, आजा। हाँ भाई चलो चलो चलो। अरे चलो ना भाई, चलना। चलो प्लीज। अरे भाई चलो ना। अच्छा जा, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भाई, जॉर्ज, 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 वो हॉस्टल के पास लल्लन के आदमी फिर लफड़ा कर रहे हैं। चल के चल।
आज ही खत्म करते हैं इसको सौरभ। जॉर्ज, अपना बैग भूल गए जॉर्ज।